साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, सत्र 2022-23 के लिए शिक्षक मित्रों के स्थानांतरण एम शिक्षा मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने के निर्देश एवं आदेश थे। इस अनुक्रम में विगत 30 सितंबर को इसके लिए एजुकेशन पोर्टल में ऑप्शन तो खोला गया, किंतु आज 1 अक्टूबर को यह ऑप्शन आगामी आदेश तक के लिए फिर से डिसेबल कर दिया गया, अर्थात स्थगित कर दिया गया। आइए जानते हैं इस संबंध में। ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु आवेदन करने के लिए आपको एमपी एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके लिए आप किसी भी नेट ब्राउजर के सर्च बॉक्स में एमपी एजुकेशन पोर्टल आप टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा एमपी एजुकेशन पोर्टल और ये इसका होम पेज। इसमें आपको लॉगिन करना होगा। कर्मचारी जिस यूनिक आईडी से लॉगिन करेगा उसी के स्थानांतरण के संबंध में यहाँ पर उसे ऑप्शन मिलेगा। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन विंडो है, यहाँ पर एक आइकन आपको दिख रहा होगा टीचर ट्रांसफर। टीचर ट्रांसफर आइकन पर क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ट्रांसफर एप्लीकेशन। इस ट्रांसफर एप्लीकेशन में जब हम माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो ये 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इन 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है रजिस्टर एप्लीकेशन। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्टर करना होता है। अभी जब ऑप्शन खुल रहा था तो जैसे ही आप अपना यूनिक आईडी इसमें एंटर करते थे, आप उस यूनिक आईडी से संबंधित कर्मचारी की सारी डिटेल मिल जाती थी। फिर रजिस्टर करने के पश्चात च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता था। इस च्वाइस फिलिंग ऑप्शन में अगर आपको पोस्ट कोड और विद्यालय का नाम पता नहीं है तो उसके लिए भी पता करने के लिए ऑप्शन था। फिर इसके पश्चात तीसरे नंबर पर यह था कि ड्राफ्ट एप्लीकेशन प्रिंट करिए, उसमें सिग्नेचर करिए और इसके पश्चात अपलोड करिए, और अंत में ये था एप्लीकेशन लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद कोई भी संशोधन नहीं हो सकता था। और सबसे अंतिम ऑप्शन था प्रिंट एप्लीकेशन, है अभी वर्तमान में दिख ही रहा है। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के पश्चात आप उस एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते थे और साथ में आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने सिस्टम में या मोबाइल में सेव भी कर सकते थे। अभी ये ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आपके सामने आ रहा है, आगामी आदेश तक आवेदन की प्रक्रिया स्थगित की गई है। तो मित्रों, अब वर्तमान में हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यही मैसेज सामने आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया स्थगित है। जैसे ही यह प्रक्रिया आरंभ होगी फिर से पोर्टल में जो आवेदन की प्रक्रिया थी और दिशा निर्देश हैं वो सभी आपको फिर से दिखने लगेंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन में जाने के पश्चात उस ऑप्शन में क्या सावधानी आपको बरतनी है वो सारे दिशा निर्देश भी ऊपर आपको दिखने लग जाते हैं। तो जैसे ही आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी फिर से आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसका आप सभी को इंतजार था काफ़ी दिनों से कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी। अभी तो ये स्थिति है वर्तमान में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही यूजफुल जानकारी के साथ आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।